इस चुनाव के दौरान महाराष्ट्र के 14 करोड़ जनता जनार्दन के डिसीशन पूरे भारत के लिए एक संदेश है। ये रेगुलर असेंबली इलेक्शन नहीं है। लोकसभा चुनाव के बाद महाराष्ट्र के इस चुनाव, इससे पहले हरियाणा का, इन दोनों से जनता के संदेश स्पष्ट है और महाराष्ट्र से ऐसे अनएक्सपेक्टेड अनप्रेसिडेंटेड विक्ट्री इज अ बिग मैसेज टुवर्ड्स विकसित भारत। मैं मानती हूं कि जनता उनके अनुभव के अनुसार पिछले गठबंधन के सरकार जो कांग्रेस के नेतृत्व में चला, उसके वजह से महाराष्ट्र के पर्टिकुलरली और देश के लिए कितना अनसर्टनिटी और डेवलपमेंट के रास्ते में रुकावट पैदा हुआ, उससे जनता बहुत टायर्ड होकर के मन में उनको क्या चल रहा है हमारे महाराष्ट्र में, ऐसे भावना आकर के आज स्पष्ट निर्देश दिए हैं और उसको सही आगे लेके चलने के लिए आप सब उत्सुक है। और मैं ये जरूर संदेश देना चाहती हूं कि डबल इंजन के सरकार मोदी जी के नेतृत्व में महाराष्ट्र के लिए और महाराष्ट्र के भविष्य के लिए उत्साह से, उमंग से, और जैसे चुनाव पत्र में आपने घोषणा की है, उन सभी वायदों को पूरे करते हुए महाराष्ट्र को आगे लेके जाएंगे, ये तो स्पष्ट है। और अभी ये स्पष्ट है कि हम सब महाराष्ट्र का पिछले कांग्रेस के नेतृत्व में चलने वाली सरकार के द्वारा कितना नुकसान हुआ, उन सब को जनता को याद दिला करके हम तेजी से काम करते आगे लेके जाना है। चाहे वो किसान के मामला हो, चाहे इंडस्ट्री का इन्वेस्टमेंट हो महाराष्ट्र में, चाहे हर रीजन का डेवलपमेंट हो महाराष्ट्र में, और प्रमुख बड़ा आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को उपयोग करते हुए हमारे ही युवा स्टार्टअप के रूप में इतना नए नए सोच के साथ सॉल्यूशंस दे रहे हैं भारत के इकोनॉमिक और आर्थिक व्यवस्था को सुधार करने के लिए। उन सब का इतना प्रोत्साहन महाराष्ट्र में मिलना चाहिए, मिल रही है, मगर और ज्यादा मिलना चाहिए। उनसे हमें स्पीडीली बहुत सारे काम को आगे ले चलना आसान होगा। महाराष्ट्र फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई है, देश का फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई, और फाइनेंशियल वर्ल्ड में स्टार्टअप के इतने कंट्रीब्यूशन, दुनिया में एक देश हम जैसे नहीं है जहां फिनटेक में हम सामने नंबर वन के पोजीशन में आ रही। सिंगापुर से जब हमारा बात होती है, वो हमारे फिनटेक के ऊपर इतना इंप्रेस्ड है और मानते हैं कि फिनटेक के द्वारा ही हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट जल्दी होने का संभावना है। अगर फिनटेक का इतना महत्व है और उसमें पैसा डालने के लिए बहुत सारे लोग तैयार है विदेश में, महाराष्ट्र में उनको प्रोत्साहन देने वाले काम बहुत होना चाहिए। उससे महाराष्ट्र का लीडरशिप रोल बरकरार रहेगा। और जैसे इससे पहले महाराष्ट्र की कल्चर, लिटरेचर, भाषा और थॉट लीडरशिप का स्थान था, वो स्थान हम तुरंत और दोबारा प्राप्त करना है। और उसमें मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का याद दिलाऊं, इस विषय में उनका कदम हम पिछले 6-8 महीने में जो हुआ उसको याद दिलाना जरूरी है। मराठी भाषा को क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस देना, और उससे पहले वर्करी संप्रदाय के लोग जुलाई में जब जाते हैं आषाढ़ के एकादशी के समय, उनके लिए वो कॉरिडोर बनाना, ये सब महाराष्ट्र और मराठी और महाराष्ट्र के थॉट लीडरशिप और कल्चरल लीडरशिप का प्रधानमंत्री जी
प्रमुखता दो देते हैं उसका एग्जाम्पल्स उदाहरण है। और महाराष्ट्र का एक बड़ा एक निर्णय पिछले 50 साल में होना था वो कभी नहीं हुआ, पता नहीं कारण क्या है, मगर अभी मोदी जी के द्वारा वदावन पोर्ट जो उनका ड्राफ्ट के वजह से भारत में ही सबसे ड्राफ्ट ज्यादा अधिक है ऐसे पोर्ट, 76,000 करोड़ का अनाउंसमेंट होना सामान्य निर्णय नहीं है। ये सब स्पष्ट करता है कि केंद्र में मोदी जी की सरकार महाराष्ट्र के उन्नति के लिए कितने सारे स्कीम्स ले आ रहे हैं, उसको तुरंत इंप्लीमेंटेशन करना। और मैं इसमें उदाहरण में देती हूं क्योंकि इसको मैं क्लोजली मॉनिटर करती हूं, बुलेट ट्रेन का व्यवस्था, अब तक ट्रेन चलता होगा अगर बीच में वो कांग्रेस लेड गवर्नमेंट नहीं आते और उसमें रुकावट ना पैदा करते। जापान से हमें इतना सस्ता से लोन मिला उस कारण, मगर डिले के कारण वो इधर उधर हो करके इतना कष्ट हम झेल रहे हैं। ऐसे ही आरे शेड, मेट्रो का कार्स का शेड, कितने डिले किसके लिए, मुंबई सबर्बन ट्रेन्स का भीड़ हम देख रहे हैं, उसमें जनता का सुविधा के लिए हम काम करने के लिए सामने आए, रुकावट पैदा करने वाले दूसरे पार्टी है। अभी मैं मानती हूं जनता इन सब को देख लिए और समझ लिए, इसलिए हमें इतना बड़ा सा मैंडेट दिए हैं। और इधर इस हॉल में नव निर्वाचित एमएलए गण के उत्साह देखकर मैं जरूर ये कहना चाहती हूं, मुंबई का अग्रणी स्थान हम तुरंत वापस ले आने के लिए काम करेंगे। नासिक और उस बेल्ट में जितने भी एग्रीकल्चर संबंधित, चाहे वो कंदा, ऑनियन और गार्लिक, इन सभी ग्रेप्स, इन सभी का प्रॉब्लम के लिए जितने भी हम गोडाउन। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को आप सुन रहे हैं और उन्होंने अपनी बातचीत की शुरुआत ही यहाँ से कही कि जिस तरीके से कांग्रेस वाले गठबंधन यानी कि शरद पवार कांग्रेस का उद्धव ठाकरे का गठबंधन था, उसकी जो सरकारें थी उसने बहुत डेंट पहुंचाया महाराष्ट्र के विकास में, लेकिन अब कोई विकास का काम रुकेगा नहीं। देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बहुत जल्द बनने जा रहे हैं, अब इसमें भी कोई शंका रही नहीं। आज उन्हें विधायक दल का नेता चुन लिया गया, पूरी औपचारिकताएं आज निभा ली गई हैं। 132 विधायक इस वक्त सभागार में मौजूद थे और पूरे सम्मान के साथ चंद्रकांत पाटिल ने उनके नाम का प्रस्ताव रखा। आपने देखा किस तरीके से सभी ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया और जबरदस्त गाना वहां पर बजा, देवा भाव की बात हुई। और देवा भाव का सीधा अर्थ आप ये समझे कि तीन दलों के बीच में समन्वय बिठाने वाला ये एक नेता है, बीजेपी और आरएसएस के बीच में भी समन्वय बिठाने वाला वो नेता कौन है, वो देवेंद्र फडणवीस है।